हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मुर्ग मसाला, जिसके लिए हमने 1.25 किलो चिकन लिया हुआ है, 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 1.25 कप दही, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तब तक हम 8 से 10 काजू लिए हुए हैं, जिसे हमने सोक करके 15 मिनट रखा हुआ था। अब इसे हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। काजू का हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम 1/2 टीस्पून चाट जीरा, 3 काली मिर्च और 3 हरी इलायची और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें 3 बड़े साइज के प्याज को इस तरह से पेस्ट किया हुआ है वो डाल देंगे। अब इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हमारा इस तरह ब्राउन हो तो हम उसमें चिकन मैरिनेट किया हुआ डाल देंगे और हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक उसे भूनेंगे। दो से तीन मिनट हाई फ्लेम पे भूनने के बाद इसमें हम काजू का पेस्ट डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। साथ ही साथ इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे ऑयल सेपरेट होने तक इसे भूनेंगे। ऑयल हमारा मसाले में से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप दूध डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और 1/2 कप पानी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। और चिकन को टेंडर होने तक कवर करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम डालेंगे। और इसे ऑयल सेपरेट होने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और चिकन भी टेंडर हो चुका है, देखिए। अब हम इसमें कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। अगर आपको हमारे शाही चिकन मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। थैंक यू।